आई नो आप बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं नई 4Eco Sport और टाटा नेक्सॉन के बीच में कंपैरिजन के लिए, स्पेशली तब से जब से कुछ एक चैनल्स ने कर दिया है। बट ऑनेस्टली हम लोग वेट कर रहे थे इसकी प्राइसेस आने का, क्योंकि बिना प्राइसेस के कोई भी कंपैरिजन अधूरा है। एंड नाउ दैट द प्राइसेस आर आउट, लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपकी खिदमत में नई 4Eco Sport और टाटा नेक्सॉन के बीच में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस और फीचर बेस्ड कंपैरिजन। तो हमेशा की तरह शुरुआत लुक्स या डिजाइन से कि कौन सी बेटर है, कौन सी ज्यादा अच्छी दिखती है। पहले बहुत ही पर्सनल मैटर है, हो सकता है आपको नेक्सॉन पसंद हो सकता है आपको Eco Sport पसंद हो, पर मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि नेक्सॉन एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और यूनिक सा डिजाइन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट लाइक लगता है। जैसा हमने 2014 दिल्ली ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को देखा था, ऑलमोस्ट वैसी की वैसी लॉन्च हो गई है, विच इज अ कमेंडेबल जॉब, गुड जॉब टाटा मोटर्स। पर जहां पर अगर Eco Sport की बात है, Eco Sport थोड़ी SUV-ish लगती है, रगिड लगती है, और स्पेशली अब जो नया फैमिली सिग्नेचर ग्रिल आया है और जो बड़े हेडलैम्प्स हैं और बड़े फॉग लैम्प्स हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव लगती है। तो दोनों ही कार्स में आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विद LED डेटाइम रनिंग लाइट्स, रूफ रेल्स, प्लास्टिक क्लैडिंग अराउंड द बॉडी और अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पर जहां नेक्सॉन में 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, वहीं पर Eco Sport में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई थिंक नेक्सॉन के जो अलॉयज हैं वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि डायमंड कट टाइप के हैं, और जो Eco Sport के अलॉयज हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, नेक्सॉन ज्यादा यंगस्टर्स को पसंद आ रही है, वहीं पर Eco Sport ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रही है। तो जहां एक्सटीरियर लुक्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से सुंदर हैं, अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, अंदर का क्या मामला है वो जानते हैं अभी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में तगड़ा कॉम्पिटिशन है। तो जहां नेक्सॉन में आपको ट्रिपल टोन शेड में इंटीरियर मिलेगा, और उसके साथ में कंपनी ने बहुत जगह पर ग्लॉसी फिनिश प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, वहीं पर जो Eco Sport है उसमें आपको ऑल ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है, नया डैशबोर्ड है, उसके साथ में कंपनी ने बहुत जगह पर पियानो फिनिश का इस्तेमाल किया है। अगर प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी ग्रेड का प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। पर अगर आप कलर कॉम्बिनेशन की बात करें या फील की बात करें, तो मुझे पर्सनली नेक्सॉन थोड़ी बेटर लगी। पर जब बात स्टीयरिंग व्हील की आती है, तो उस मामले में Eco Sport का स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा अच्छा है दिखने में भी और होल्ड करने में भी, और आप इसे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। नेक्सॉन में सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल ऑप्शन है, पर जब इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात आती है तो वहां पर नेक्सॉन बेटर है, क्योंकि उसका डिजाइन ज्यादा बेटर है, कलर कॉम्बिनेशन भी बेटर है और इजी टू रीड है, जो कि Eco Sport में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ऑल्दो डिजाइन नया है, पर थोड़ा बेटर हो सकता था कलर कॉम्बिनेशन वाइज। एज फार एज द इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज कंसर्न, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्लोटिंग टाइप टच डिस्प्ले मिलती है, दोनों ही वॉइस कमांड को सपोर्ट करते हैं, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का भी सपोर्ट है। पर जहां पर आपको नेक्सॉन में 6.5 इंच की टच डिस्प्ले मिलती है, वहीं पर आपको Eco Sport में बड़ी 8 इंच की टच डिस्प्ले मिलती है, जिसका टच और रेजोल्यूशन दोनों नेक्सॉन से कंपैरेटिवली बेटर है। नेक्सॉन का बुरा नहीं है, बट थोड़ा बेटर है Eco Sport का। इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट, Eco Sport की फ्रंट सीट्स नेक्सॉन से बेटर है, और उसमें आपको लेदर सीट्स मिलती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, जो कि नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। पर जहां पर रियर सीट्स की बात आती है, वहां पर नेक्सॉन बाजी मार लेती है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लेग रूम और नी रूम आपको ऑफर करती है, हेडरूम लगभग बराबर है, पर थाई सपोर्ट के मामले में Eco Sport थोड़ी सी बेटर है। तो जहां फ्रंट सीट्स में Eco Sport का दबदबा है, वहीं पर रियर सीट्स में नेक्सॉन का दबदबा है। और आपको नेक्सॉन में एडिशनली रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, जो कि Eco Sport में अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो Eco Sport का एसी बहुत इफेक्टिव है, बहुत ठंडा जल्दी कर देता है, पर रियर सीट में एसी वेंट्स होते तो और बड़ी एडवांटेज हो सकती थी। जहां तक बात म्यूजिक क्वालिटी की है, तो उस मामले में नेक्सॉन बेहतर है, पर उनके बेस मॉडल में भी आपको एक ऑडियो यूनिट मिलती है, जो कि ब्लूटूथ, ऑग्स और USB जैसी चीज़ों को सपोर्ट करती है। और ट्रेंड प्लस वेरिएंट में आपको इनफैक्ट फोर्ड सिंक 3 मिलता है। हाँ, ऑल्दो टच स्क्रीन का जो साइज़ है वो 6.5 इंच हो जाता है, पर टच स्क्रीन डिस्प्ले अवेलेबल है। कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स के मामले में दोनों ही कार्स आपको बहुत से फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि आपको ऑल 4 पावर विंडोज़, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग ORVMs, रियर पार्किंग कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, और फ्रंट और रियर दोनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। बट Eco Sport में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें पेडल शिफ्टर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट से आपको डुअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड। पर
EcoSport के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि साइडो कर्टन एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, हिल लॉन्च असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि नेक्सॉन में अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी वेरियंट में। When it comes to engine options, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन्स दोनों अवेलेबल हैं, जहां पर आपको EcoSport के पेट्रोल मॉडल में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। वहीं पर नेक्सॉन में आपको अभी सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल की ही सुविधा अवेलेबल है, ऑल्दो ऑटोमेटिक कंपनी जल्दी ही लॉन्च करने वाली है, आई थिंक Q1 में कंपनी वो लॉन्च कर देगी नेक्स्ट ईयर के। पर जब बात इंजन कैपेसिटी की आती है, तो वहां पर EcoSport का पेट्रोल मॉडल 1497 सीसी का है, वहीं पर नेक्सॉन का पेट्रोल मॉडल 1198 सीसी का है। ऑल्दो दोनों ही 3 सिलेंडर यूनिट है, पर जहां पर EcoSport का पेट्रोल मॉडल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वहीं पर नेक्सॉन का जो पेट्रोल मॉडल है वो एक टर्बो चार्जर के साथ में आता है। इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर, EcoSport का जो पेट्रोल मॉडल है वो 121 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ ना कि सिर्फ इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है या पावरफुल मॉडल है, बल्कि इस कैपेसिटी का 1500 cc का कोई भी इंजन इतनी पावर आपको नहीं देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्सॉन का इंजन पावरफुल नहीं है, वो भी 110 bhp की कमेंडेबल पावर निकालता है, और इनफैक्ट टॉर्क के मामले में वो EcoSport के इंजन से लगभग 20 Nm ज़्यादा है। पर जब रियल वर्ल्ड कंडीशंस में परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वहाँ पर नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन थोड़ा लैगी लगता है, क्योंकि छोटा इंजन है, टर्बो चार्जर लगा है, और जब तक टर्बो किकिंग नहीं होता है तो वो पावर आपको उतने अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है, तो लो RPM से परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, आपको फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, जो कि EcoSport के पेट्रोल मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम लैग है, ऐसा नहीं है कि लैग नहीं है, पर है, पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मिड रेंज के मामले में दोनों ही इंजन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर जब हाई एंड परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वहाँ पर EcoSport थोड़ी सी बाजी मार लेता है, क्योंकि उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है। पर जब बात आती है डीजल इंजन की, तो उस मामले में नेक्सॉन EcoSport पे भारी है, और तो दोनों में ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन लगा है, दोनों में ही टर्बो चार्जर लगा है। पर जहाँ पर EcoSport का डीजल इंजन तकरीबन 98 bhp की मैक्सिमम पावर और 205 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है, वहीं पर नेक्सॉन का जो डीजल इंजन है वो 108 bhp की मैक्सिमम पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। तो ऑन पेपर डेफिनेटली नेक्सॉन बेहतर है। इनफैक्ट अगर आप टॉर्क टू वेट रेशियो की बात करेंगे, तो ये अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल गाड़ी है नेक्सॉन, और अगर पावर टू वेट रेशियो की बात करेंगे, तो उस मामले में भी ये EcoSport से बेहतर है। दोनों ही डीजल इंजन की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें सिटी में चलाना बेहद आसान है, बहुत ही फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं आपको, जैसे कि नेक्सॉन के पेट्रोल मॉडल में हमें देखने को मिलता है, वो इसमें नहीं है। इनफैक्ट मिड रेंज भी दोनों की बहुत अच्छी है, एडिक्वेट पावर है, पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है। पर अगर हाईवे परफॉर्मेंस की बात करें, तो वहाँ पर नेक्सॉन थोड़ा आगे है EcoSport से। पर अब भी एक ऐसा एरिया है जिसमें EcoSport नेक्सॉन से काफ़ी आगे है, वो है ड्राइविंग डायनामिक्स। आप राइड की बात कर लीजिए या हैंडलिंग की बात कर लीजिए, उस मामले में EcoSport की कोई बराबरी नहीं है इस सेगमेंट में। बहुत ही चिपक के ये गाड़ी चलती है, अगर आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें या सिटी में भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो भी अब पुराने वाले EcoSport से नए EcoSport की बेहतर हो गई है। इसका मतलब सिटी में राइड क्वालिटी अब ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो इन कुछ मामलों में फोर्ड EcoSport अब भी नेक्सॉन से बेहतर है। जब बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की, तो उस मामले में भी दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल मॉडल्स लगभग बराबर फ्यूल एफिशिएंसी आपको देंगे, बराबर माइलेज होगा। जहां पर सिटी में आपको माइलेज मिलेगा तकरीबन 12 km/l के आसपास, हाईवेज पर ही 15 km/l पहुंच जाता है। दोनों ही कंपनियों ने लगभग 17 km/l का माइलेज क्लेम किया है। अगर डीजल की बात करें, तो डीजल का भी सिटी माइलेज दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर है, तकरीबन 15 km/l दोनों ही गाड़ियाँ दे सकती है अगर आप ढंग से चलाएंगे। पर हाईवेज पर जब बात आती है, तो वहाँ पर EcoSport थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि उसका माइलेज लगभग 20 km/l टच आप कर सकते हैं, वहीं पर नेक्सॉन लगभग 17 km/l से 18 km/l का माइलेज देती है। वाइल बोथ द कार्स लुक गुड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स, पर कीमत क्या है भाई साहब, इज दिस सबसे बड़ा सवाल, और उस मामले में टाटा नेक्सॉन डेफिनेटली आगे है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिवली प्राइस है। 5,85,000 रुपये से लेकर 9,45,000 की जो ये कीमत है जिसमें ये लॉन्च हुई है, उस प्राइस रेंज में आपको बहुत सी प्रीमियम हैचबैक्स मिलती हैं, एलीट i20 और बलेनो की जैसी, तो बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस किया है। वहीं पर EcoSport ऑफकोर्स महंगी है, 7,31,000 रुपये से लेकर 10,99,000 के बीच में प्राइस है, पर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स उस गाड़ी के साथ में मिलते हैं। विच वन ऑफ दीज टू कार्स शुड यू बाय, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी है जो आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां पावरफुल हैं, सेफ हैं, कंफर्टेबल हैं,
बहुत से फीचर्स आपको देती हैं, पर जहां पर EcoSport की ड्राइविंग डायनामिक्स थोड़े बेहतर हैं, नेक्सॉन ज़्यादा अच्छे से प्राइस की हुई गाड़ी है। तो अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देकर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेना चाहते हैं तो आप EcoSport ले सकते हैं, पर अगर आपका बजट थोड़ा कम है और कम फीचर्स से थोड़े कम फीचर से काम चला सकते हैं तो नेक्सॉन आप ले सकते हैं। So ladies and gentlemen, this brings us to the end of our detailed comparison review between these two cars. आप हमें बताइए कि आपको ये comparison कैसा लगा, और ये भी बताइए कि format आपको कैसा लगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे और comprehensive, detailed, specification based comparisons आपके लिए लेकर आने के लिए। अगर इन दोनों गाड़ियों का detailed review आपको जानना है तो उसके links आपको नीचे description में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।